2,80,000 2,80,000 4,20,000 ये अपन 2.5 लाख रखे हैं इसका, ये 3,20 के आसपास का है। ये आप दे रहे हैं 2,30,000 रुपये 30,000 में। ये अपन 3.5 बोलते हैं, इसमें भी अपन कर लेंगे। ये 2,80,000, ये अपन 3 लाख। तो हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज योर मंटी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो वादे के मुताबिक मैं आप लोग के लिए फिर से ट्रैक्टर का वीडियो लेके आ गया हूँ, वो भी सेकेंड हैंड, और अच्छा खासा कलेक्शन है जैसा देख सकते हैं यहाँ पर भी और उधर शोरूम में भी है। जैसा कि मैंने बताया था, मॉडर्न मोटर का जो वीडियो बनाया था उन्हीं के ऑनर ने बताया था कि हमारे पास ट्रैक्टर भी है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन में भी। तो आइए आज दिखाते हैं आपको, मिलवाते हैं, कितने में डील हो रहा है, कहाँ तक फाइनेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में, यहाँ का एड्रेस वही बताएंगे सर आपको। तो सबसे पहला काम करना है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कम से कम इस वीडियो को, ट्रैक्टर का वीडियो दिखा रहा हूँ, कम से कम 50,000 लाइक चाहिए ही चाहिए। तो अभी से देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक काम, अगर इसी तरीके का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं और अगर अच्छा लगता है आपको कि कार और बाइक लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि जब भी मैं ऐसा वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको मैं आपके मोबाइल पे दिख जाऊं। तो मिलाते हैं यहां से वकील जी को, क्या हाल चाल है उनका। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकील सर, कैसे हो आप? बढ़िया मंटी भाई, ट्रैक्टर में तो पूरा धमाल मचा लिया। ट्रैक्टर तो अच्छा खासा कलेक्शन है। अच्छा, ये देख रहे हैं जितनी ट्रैक्टर सारी आपकी हैं, सब छत्तीसगढ़ की हैं? हाँ, टोटल छत्तीसगढ़। अच्छा, तो आज चलिए देखते हैं कौन कौन सी ट्रैक्टर है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ तक जाते हैं। हाँ, चलिए आइए। ठीक है, उसके बाद फिर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सारा बताएंगे डिटेल। तो इसके बारे में बताएंगे सर, ये आइसर है 2017 की। आइसर 2017 की है, 5660 मॉडल है, 60 एचपी में आता है ये। 60 एचपी। हाँ। एचपी क्या काम करता है सर? एचपी मतलब हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। हाँ। अच्छा, ये जो टायर वगैरह क्या आप चेंज करा के देंगे या फिर जो है ऐसे ही दोगे आप? ये तो फिलहाल ऐसे ही है। अच्छा। मगर देख लेंगे, कस्टमर से बात हो अगर है तो अपन कर लेंगे जैसा भी। अच्छा, कितना हावर चला हुआ है ये गाड़ी? ये चला है 1500 घंटा। 1500 घंटा। इसका माइलेज ऐसे क्या है? माइलेज तो लगभग 4 लीटर प्रति घंटा रहेगा इसका, हैवी है। अच्छा, ये हैवी है ना, तो इसका टान भी बहुत ज्यादा होगा। हाँ, जैसे आपने हॉर्स बताया, ये हैवी वर्क लोगों के लिए बेस्ट ही है। क्या रेट में जाएगा सर आपके पास से? ये अपन 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया। हाँ। ये फिक्स है? हाँ, कम करेंगे। अच्छा, कम कर लेंगे, कम करिएगा। और बाकी ऐसा नहीं ना कि मान लीजिए कोई भी ट्रैक्टर इंजन सर्विसिंग या कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग कस्टमर को जो भी देते हैं सीधा बोलते हैं भैया आप संतुष्ट करके ही देंगे सामने वाले को, यहाँ तक कि 6 महीना साल भर यहाँ तक की गारंटी तक बोल देते हैं इंजन के मामले में। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो टायर हो सकता है अगर कस्टमर कुछ बढ़ा के पैसा दे तो आप? हाँ, चेंज कर वो चेंज करा देंगे, अब हम सेट कर लेंगे। बस अच्छा। मान लीजिए आप इतना का टायर होता है, आप इतना दे दो, कुछ अपन एडजस्ट कर लेंगे, आप कर लेना इसका कर। अच्छा। लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर सोनालिका की। सोनालिका 2018 का है सर। इसका हुड नहीं है ऊपर का, वो लगा के देंगे, लगा के आप दीजिएगा कस्टमर को, लगा के देंगे। 2018 की सोनालिका है। क्या है इसका हॉर्स पावर? 730 है। 730। ये 30 HP में आता है। अच्छा, 30 HP में आता है ये DI 730। इसका क्या होता है? ये हॉर्स पावर में है, ये 735 834। हाँ। ये सीरीज है, तो ये आपका मान के चलिए 30 HP में है। तो यहाँ मैं जैसे देख रहा हूँ टायर आगे का बिल्कुल सही है, लेकिन पीछे का टायर थोड़ा डैमेज है। इसका कारण ये है ना, सीजिंग टोटल बैंक से खींची हुई गाड़ी है। अच्छा, बैंक से खींची हुई है, तो जैसा इसका गाड़ी खींचती रहती है तो कस्टमर ही चेंज कर दिया, ये फाइनेंस स्थिति में वहाँ चेंज हो जाता है। अच्छा। हाँ, कितना हावर चला हुआ है ये? 1000 घंटा चला हुआ है। 1000। क्या रेट में निकाल रहे हैं आप? ये 2,80,000। 2,80,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर ये स्वराज। स्वराज 834 है ये। 834। हाँ। इसका भी सामने का टायर सही है। हाँ। लेकिन ये भी मतलब चेंज ही। हाँ, करने पीछे 50% कर सकते हैं अपन। कितना HP का है ये? ये लगभग 39 HP में आता है। 39 HP। ओके, और इसका कितना हावर चला हुआ है? ये भी चला है समथिंग 1000-1200-800 घंटा इतनी में है लगभग। क्या रेट में निकाल रहे हैं आप इसे? ये अपन 3.5 बोलते हैं, इसमें भी अपन कर लेंगे, कर लीजिएगा। हाँ। ओके, ये 3.5 में मिल रहा है, इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा कम है ना ताकत? हाँ, 39 HP ठीक ठाक होता है, 75 के बराबर होता है, इससे ज़्यादा ताकत। अच्छा, अगर ये डाला वगैरह की बात करें तो डाला वगैरह भी सेल करते क्या? डाला सेल करते थे, अभी क्या है ऑक्शन में डाला मिल नहीं रही है अपने को। अच्छा, तो बहुत दिन से डाला थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट ट्रैक्टर हम लोग देखते हैं महिंद्रा की। महिंद्रा की 275 TU है, ये भी 39 HP में है, ये 2014 की। अच्छा, ये हम आपको दे रहे हैं 230 में। 2,30,000 में। 2,30,000। 2014 की। कितना हावर चला हुआ है ऐसे? ये चला है लगभग 2000 घंटा। अच्छा, घंटा कितना चला हुआ होना चाहिए कि मतलब इंजन सही सलामत मिलेगा, ऐसा कुछ सिस्टम है इसमें? इसमें ट्रैक्टर में तो देखिए 10, अच्छा सा जो किसान इसका रख लिया ना। हाँ। 10 साल तक भी इंजन नहीं खुलता है। 10 साल तक भी? हाँ, इंजन नहीं खुलता। सर्विसिंग ऐसे कितने? हाँ। कितने घंटा पे होता है?
इसका होता है लगभग समझ लीजिए 1500 घंटा ऐसा 1500 घंटा पे ऐसा सर्विसिंग होता है। ये आप दे रहे हैं 2,30,000 रुपये में, 30,000 में, तो मुझे लगता है अब तक का सबसे सस्ता यही है कि इससे भी सस्ता और है। हाँ लगभग यही है, फिलहाल सस्ता ही है, और भी है कम बजट में तो उधर खड़ी हुई है। अच्छा तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये महिंद्रा की 475 है, ये 2014 मॉडल है ये। हाँ 2014 मॉडल। इसका कितना हावर चल चुका है? ये चला है आप 1800 घंटा। 1800 ये सब वो जो इतना हम लोग ट्रैक्टर देखा सारा फर्स्ट ओनर पे है? हाँ टोटल फर्स्ट ओनर पे। अच्छा ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ। हाँ हाँ। इसका घंटा बताया आपने? 1800 घंटा। ओके टायर वगैरह तो इसमें बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे का डैमेज है, पीछे का चल जाएगा। हाँ। क्या रेट में निकाल रहे हैं सर? ये 320 के आसपास का है, 475। हाँ थोड़ा सा महंगी रहती है। अच्छा मगर इसमें भी क्या एचपी है? ये 40 HP में आता है। 40 HP में। ओके नेक्स्ट टावर देखते हैं सर। ये भी 14 का है, ये 2,50,000 का। ये तो वेल कंडीशन में लग रही है, पूरा नया लग रहा है, कंडीशन अच्छा है, टायर वगैरह इसमें चेंज लग रहा है। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर का कंडीशन कि ये पेंट हुआ है क्या? हाँ ये बोनट टचिंग है ना। अच्छा नहीं इंजन में जैसे कलर वगैरह देख रहे हैं, पेंट हुआ है क्या? पेंट है ये। अच्छा तो ये 2014 का, ये कितना एचपी का आ जाता है? ये भी 39 HP में है। 39 कितना हावर चला हुआ है? ये 2000 घंटा। 2000 घंटा। क्या रेट में निकाल रहे हैं आप सर? ये अपन 2,50,000 रखे हैं इसका। 2,50,000 तो ये आपको मिल रही है 2,50,000 रुपये में। ओके आइए बगल में देखते हैं सर। ये भी 2014 की है। 2014 की है। हाँ। अच्छा लेकिन इसके आगे का कुछ? हाँ ये बम्पर अपन नया डाल के आए हैं, कल ही आई हुई है गाड़ी। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं है, 3 टायर बिल्कुल नए हैं, 1 टायर ये बम्पर हुड, अपन टोटल कस्टमर को कंप्लीट करके देंगे गाड़ी को। तो ये कौन सा मॉडल बताया आपने? 2014 है। 2014 कितना एचपी का है ये? ये है आपका 39 HP। 39 ओके कितना हावर चला हुआ है? ये चला है अभी 2000 घंटा के आसपास से भी। 2000 क्या रेट में निकालिएगा सर इसे? 240 2,40,000। अच्छा ओके अब हम लोग आ गए हैं स्वराज की तरफ, इधर इसके बारे में बताइएगा। ये 2017 मॉडल गाड़ी है। 2017 ओके। ये लगभग 2,80,000 के आसपास मिलेगा। थोड़ा सा ये बॉडी कंडीशन थोड़ा डल है, ये तो पेंट हो जाएगा तो सही हो पेंट हो जाएगा वो। कौन सा मॉडल आपने बताया? 2017 का। 17 कितना हावर चला हुआ है? ये चला है लगभग 2,500 घंटा। 2,500 ओके। टायर वायर का कंडीशन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन चेंज करना ही पड़ेगा आपको। और गाड़ी का कंडीशन कितना एचपी में आ जाता है सर ये? ये भी 35 HP के आसपास है। 35 HP ये आप दे रहे हैं? 2,80,000। 2,80,000 महिंद्रा की एक और देखते हैं, B275 DI। हाँ कितनी एचपी की है ये? ये 39 HP में है। अच्छा ये भी ट्रैक्टर आप देख सकते हैं पूरी कंडीशन में। इसका हुड वगैरह सर? सब कंप्लीट होगा, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। अच्छा बम्पर हुड टोटल चीज लगा के देंगे अपन। ओके कितना हावर चला हुआ ये गाड़ी? ये चला है आपका 1200 घंटा। 1200 ओके क्या रेट में आप निकाल रहे हैं सर? ये लगभग कंप्लीट करने के बाद 4,00,000 तक समथिंग जाएगा। ये 2020 का मॉडल है। अच्छा 2020 मॉडल है इसलिए 4,20,000 तक जाएगा। हाँ कुछ होगा उसमें जगह भी कंप्लीट। इसमें क्या क्या बचा हुआ है? बम्पर लगना है, हुड लगना है, सीट कवर लगना है, जो थोड़ा बहुत वायरिंग वायरिंग प्रॉब्लम सब करा के देंगे अपन कंप्लीट। ये तो हमने देख लिया, अभी 3-4 ट्रैक्टर और है ना, तो वो भी देख लेते हैं। ओके एक और ट्रैक्टर की तरफ आ गए हैं ये, इसमें चारों टायर देख रहे हैं एकदम न्यू लगी हुई है। इसके बारे में बताइए कौन सी मॉडल की है ये? ये 2020 का है, TU 39 HP। 39 HP हाँ। ये भी चला हुआ है 950 घंटा मात्र। अच्छा 950। इसमें देख सकते हैं टायर वगैरह चेंज करने का जरूरत नहीं है आपको। क्या रेट में ऐसा सर निकालिएगा? ये 4,00,000 रुपया। 4,00,000 रुपया 2020 की? इसलिए 2020 की। कोई फॉल्ट वगैरह इंजन नहीं वगैरह? एकदम 1 साल की गारंटी के साथ देंगे। अच्छा आप दे रहे 4,00,000? 4,00,000 में। 4,00,000 में ओके ओके। एक और ट्रैक्टर के पास है लेकिन एकदम पूरी एकदम लग रही कि न्यू शोरूम से लाके रखी हुई है, पूरी फ्रेश कंडीशन में। क्या है इसका राज? ये 2019 दिसंबर की है, 2020 बोल सकते हैं। अच्छा लास्ट दिसंबर की गाड़ी है। हाँ ये 415 है, किसानों का काफ़ी डिमांडेड गाड़ी है। अच्छा इसमें पावर ट्रैक पावर बहुत 40 HP में आती है, आपका रोटावेटर थ्रेसर सब इसमें चलता है, क्रेशर वगैरह सारा चलता है टोटल चीज। तो सर उस हिसाब से नई में क्या कीमत होगी? महंगा ही होगा ये तो। 7,00,000 के आसपास। 7,00,000 के आसपास है। इसके साथ आप क्या क्या दीजिएगा? इंजन है, इंजन कंप्लीट देंगे अपन। 2019 की? हाँ 19 दिसंबर की है, 20 अपन बोल सकते हैं। अच्छा कितना हावर चला हुआ है ऐसा? ये 800 घंटा चली हुई है। 800 हाँ। क्या रेट में निकालेंगे आप? 4,20,000। 4,20,000 फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। अच्छा एक और सर लगी हुई है वो महिंद्रा की। हाँ ये 275 है, ये 2017 की है। अच्छा इसमें टायर वगैरह नया लगा हुआ है? टोटल टायर और सब कंप्लीट है, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है।
ये आपको मिल जाएगी 360,000 रुपये में। कितना हावर चला हुआ ऐसे? ये चला है 1250। 1250 तो 1250 घंटा चला हुआ ये, और ये 1500 के बाद सर्विसिंग होता है ना? हाँ, ऑयल चेंज का हो जाता है। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। ओके, क्या मॉडल बताया आपने? 2017 की है। 2017। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं चाहूँगा कि एड्रेस बता दीजिए इस जगह का। ये खर्चा चौक रिंग रोड है, महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम के जस्ट बगल में, हमाया मंदिर रोड जाने वाले रास्ते पर पड़ती है। अच्छा, ये ट्रैक्टर फाइनेंस वगैरह का क्या सीन है? फाइनेंस अपन करके देते हैं। करके देते हैं, नाम ट्रांसफर वगैरह? हाँ, टोटल चीज टोटल। कस्टमर को कहीं बाहर नहीं जाना रहेगा, जो हमारे पास से जो गाड़ी लेंगे नाम ट्रांसफर हम करा के उनको देंगे। क्या बात है, तो आइए मोस्ट विजिट करिए, और भी ट्रैक्टर आता जाता रहता है, आप लोगों को कम रेट में भी मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो बस लाइक कर दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ से बाहर फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बाहर से कैश में ले सकते हैं। हाँ ना, ओके, तो आइए, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच सर, और भी कलेक्शन आता है तो ज़रूर याद करें। ठीक है।